जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सभी जातियों को साधने में लगी है, वहीं मुस्लिम समाज अब एक बार फिर से कांग्रेस के विरोध में उतरा है। कांग्रेस सरकार में देश के 85% पसमांदा मुस्लिम समाज पर आर्टिकल 341 के जरिए लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध का आज जोरदार विरोध किया गया। इस बंदिश के खिलाफ ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज की ओर से शनिवार को यानी कि आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बरसों से पसमांदा समाज पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त करने व समानता का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई। ये मांग ऑल इंडिया मुस्लिम पसमांदा महाज के अध्यक्ष वसीम राय ने की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने पसमांदा मुसलमान के साथ शत्रुता भरा व्यवहार किया है, जबकि इसी समाज ने इस दल को सत्ता में बने रहने के तमाम मौके दिए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस अपने अत्याचारी रवैये से बाज नहीं आई। पसमांदा समाज ने लगातार आरोप लगाए और कहा कि इनके जुल्म का ही परिणाम है कि पसमांदा समाज से सैकड़ों आईएएस इंजीनियर डॉक्टर जज और राजनीतिक बनने से वंचित रह गए, लेकिन अब वक्त के साथ यह समाज जागरूक हुआ है और अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समाज को वर्तमान केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद है। इस सरकार ने ट्रिपल तलाक समेत कई साहसिक फैसले लेकर यह साबित किया है कि उनमें बदलाव लाने का जज्बा है। इसी तरह सरकार आर्टिकल 341 के जरिए लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध से पसमांदा समाज को आजादी दिलाने की पहल करे, ताकि यह समाज भी समानता का अधिकार हासिल करने के साथ ही मुल्क की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सके। हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज 98 से हम लोग ज्ञापन आज हमने दिया है, तो ये आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी जो है तत्कालीन नेहरू सरकार ने 10 अगस्त 1950 को ये धार्मिक पाबंदी लगाई थी कि जो मुसलमान है उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये दलित रिजर्वेशन को लेकर बन रहा है, तो इसमें मुसलमान और ईसाई दोनों बाहर हैं, बाकी बौद्ध हिंदू सभी लोगों को ईसाइयों को छोड़कर बाकी सभी को मिलना क्रिश्चन। तो ये जो नाइंसाफी है कांग्रेस की, इसी सिलसिले में हर साल हम लोग ज्ञापन देते हैं और देश के लोग कोई प्रधानमंत्री से मान लिया कि जो कांग्रेस ने काला कानून है संविधान के ऊपर धप्पा लगाया है और भेदभाव हम लोग के साथ किया है, तो इसको हटाकर और उनका सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है तो तभी पूरा होगा जब हम लोग के साथ भी इंसान हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 व 25 में साफ तौर पर लिखा है कि भारत में बसने वाला इंसान चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग या नस्ल का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मगर आजादी के बाद 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति अध्यादेश शेड्यूल कास्ट 341 के पैरा 3 के तहत सिर्फ हिंदू दलित को अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया। दूसरे धर्म के मानने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ लेने से वंचित कर दिया गया। सिखों को 1956 में और बौद्धों को 1990 में उसका लाभ मिला, लेकिन मुसलमान और ईसाई आज तक इस लाभ से वंचित हैं। दलित तो दलित हैं, उसका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, लेकिन समान नागरिकता का संदेश है। यदि ऐसा है तो समानता में असमानता मौलिक अधिकार का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 25 के खिलाफ और संविधान विरुद्ध है, जो हिंदुस्तान को एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक मूल्य होने की जमानत देता है। मांग की गई कि उन मांगों की प्रतिपूर्ति महामहिम के स्वविवेक पर आधारित है, जिसे प्रदान कर इन सभी पसमांदा समाज के नागरिकों की सच्ची समाजवादी सहानुभूति एवं विचारधारा का प्रकटीकरण होगा तथा दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की तरक्की का रास्ता खुलेगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की मांग होने से कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर बड़ा आरोप आया है, और लगातार जहां कांग्रेस वर्तमान समय में सर्वधर्म को साधने की नीति को अपना रही है, मुस्लिमों के वोट बैंक को अच्छी तरीके से अपनी तरफ फिर से आकर्षित करने में कहीं ना कहीं सफल साबित हो रही थी, इसी के बीच में इस प्रकार के बड़े आरोप आने से क्या एक बार फिर से कांग्रेस को चिंता सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप कुछ क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।